हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हमें यहाँ पर 15 अगस्त के लिए स्कूल के लिए तिरंगा ड्रेस बनाना सिखाएंगी। तो यहाँ पर मैंने 3 कलर का कपड़ा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सलवार बनाएंगे, सूट तो मैंने पहले से ही बना लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें कुछ तरह से फोल्ड करके अच्छे से बिछाना है। तो पार्ट की चौड़ाई हमने 6.5 इंच रखी है। तो अब हम यहाँ पर लंबाई नापेंगे। तो 7 इंच की हम यहाँ पर बेल्ट रखेंगे। तो 7 इंची टेप को ऊपर बढ़ा के रखेंगे और नीचे की तरफ लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 28 इंच है। 1 इंच का मार्जिन लेंगे तो 29 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने कटिंग भी कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर कली की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से बिछाएंगे और 7 इंच की हमारी बेल्ट है। तो इंची टेप को हम यहाँ पर 7 इंच ऊपर बढ़ा के रखेंगे और लंबाई हमारी 28 इंच है। 1 इंच का मार्जिन लेंगे तो 29 इंच पर हमें निशान लगा देना है और यहाँ से कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग कर लिया है। इसकी टोटल चौड़ाई 22 इंच है। अब हम यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर हमें 7 इंच की हमारी बेल्ट है और यहाँ से आसन की लंबाई 13.5 इंच रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निशान लगा देंगे और अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी निशान लगा लेते हैं। तो चौड़ाई में हमें 5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से हम क्या करेंगे, बेल्ट है तो यहाँ से हम 13.5 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ से दोनों निशान को मिला देंगे। तो हमने कुछ तरह से निशान लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है, ठीक है। 4 कली हमने एक साथ में कटिंग करी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें कपड़े को फोल्ड करना है और यहाँ से कपड़े को सीधा करेंगे। तो बेल्ट की चौड़ाई हमारी 17 इंच आ रही है और 7 इंच की हमारी बेल्ट है। 2 इंच का मार्जिन लेंगे तो 9 इंच पर निशान लगा देंगे और दूसरी तरफ भी हमें 9 इंच पर निशान लगा देना है और यहाँ से हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। तो जो हमारा 2 इंच का मार्जिन है तो उतना हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे और यहाँ से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर पोंछे सिलने के लिए कपड़ा कटिंग करेंगे, एक सीधी पट्टी कटिंग करेंगे। तो हमारी सलवार कटिंग हो गई है। तो अब हम यहाँ पर इसको सिलेंगे। तो सबसे पहले मैंने कली को लिया है और यहाँ पर हम पार्ट को लेंगे। तो दोनों को मिलाकर रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर मैंने इसको सीधा रखा है। अब हम यहाँ पर दूसरी कली को लेंगे और इसको भी हमें कुछ तरह से रख लेना है और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पार्ट में 2 कली को सिला है और इसी तरीके से मैंने दूसरे पार्ट में भी 2 कली को सिला है। तो दोनों की सीधी साइड आमने सामने रखेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के आसन को सिलेंगे और इसमें हमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर एक आसन को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर पल्ले को बराबर करेंगे और यहाँ पर दूसरे आसन को भी सिलेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, पीछे वाले आसन में 2 प्लेटें सिलेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। प्लेट का डायरेक्शन आमने सामने होना चाहिए। तो पीछे की तरफ मैंने 2 प्लेटें सिली हैं। अब हम यहाँ पर आगे वाले आसन को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर मैंने बेल्ट पहले से ही तैयार करके रखी है। जो हमारा सिलाई वाला हिस्सा है वो आगे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर मैंने कट लगाया है तो ये कट हमारा पीछे वाले आसन पर रहेगा। तो अब हम यहाँ पर सिलाई वाला हिस्सा इस आसन पर रखेंगे और यहाँ पर प्लेटें सिलेंगे कुछ इस तरह से। तो प्लेट और जो हमारी सलवार है इन दोनों को सिल लेते हैं और जो हमारा प्लेट का डायरेक्शन है वो हम यहाँ पर बाहर की तरफ रखेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें प्लेटों को सिल लेना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो कट है वो कट हमारा पीछे वाले आसन पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप लेते हैं। तो एक प्लेट हमारी और पड़ेगी तो उसको भी डाल लेते हैं
और यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को निकाल दिया है। अब हम यहाँ से फिर से कुछ इस तरह से इसको बराबर करेंगे और फिर से यहाँ से प्लेटें डालना शुरू करेंगे। तो अब हम यहाँ पर प्लेट का डायरेक्शन अपनी तरफ रखेंगे, तो इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें डाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरे में प्लेटों को डाल लिया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, दाब सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दाब सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम यहाँ पर पौंचे से लेंगे, तो पौंचे को हम यहाँ पर बराबर करेंगे और यहाँ से तिरछे में कटिंग करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरे पौंचे को भी बराबर करेंगे और यहाँ से तिरछे में कटिंग कर लेते हैं। तो हमने कटिंग कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कपड़े वाली पट्टी ली है और एक फोम वाली पट्टी ली है। तो दोनों को इस तरह से रखेंगे और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर सलवार को लेंगे और नीचे से आधा इंच इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो पूरे में हमें इस तरह से फोम वाली पट्टी को सिल लेना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है और यहाँ पर भी इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पौंचे को सिल लिया है, इसमें कोई सी डिजाइन डाल लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिजाइन को भी डाल लिया है। अब हम यहाँ पर पौंचे को बराबर करेंगे और यहाँ पर इसकी फिटिंग करेंगे। तो पौंचे की चौड़ाई हम यहाँ पर 5.5 इंच रखेंगे, तो 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसी निशान के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो एक पौंचे से दूसरे पौंचे तक हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, इसमें हमें डबल सिलाई लगा देनी है और इस तरह से जो हमारी सलवार है वो सिलकर तैयार हो गई है। और इसी के साथ में मैंने सूट भी बनाया है। तो सूट किस तरह से बनाया है तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकती हैं। तो आपको ये तिरंगा ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।